नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से इस रैली में 75 बाइक पर 120 राइडर्स सवार होकर निकले हैं। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। ये बाइक रैली 75 दिन का भ्रमण करेगी और 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्यों को छुएगी। ये रैली 250 से ज्यादा जिलों का भ्रमण करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे के बाद गुरुवार को पटना लौट आए और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए सीधे राबड़ी देवी के आवास पर गए। नीतीश कुमार का मानना है कि उनका दिल्ली दौरा सफल रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा देश को तबाह करने की कोशिश कर रही है। भाजपा अब एक बदली हुई पार्टी है। यह भाजपा नहीं है जो अटल जी के समय हुआ करती थी। भाजपा की नीतियों और नियम बदल गए हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार टूटे चावल पर निर्यात तिथि को मुक्त से निषेध में संशोधित किया गया है। हालांकि 9 से 15 सितंबर के बीच चावल की उन खेपों को प्रतिबंध से छूट दी जाएगी जहाँ लोडिंग शुरू हो चुकी है और शिपिंग बिल दिए जा चुके हैं। बिहार में युवाओं के रोजगार के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि राज्य 250 एकड़ में बनने जा रहे शानदार फूड पार्क के निर्माण की लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार राज्य में 800 करोड़ की लागत से उद्योग लगाने की योजना पर काम कर रही है। इसके साथ ही बिहार में कहीं एथेनॉल प्लांट को जनवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। CBSE ने कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर दिया है। परीक्षार्थी जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था वे आधिकारिक वेबसाइट cbseresult.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे आवेदन संख्या, जन्मतिथि, हॉल टिकट नंबर आदि दर्ज करना होगा। बता दें कि CBSE की 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा का आयोजन 23 से 29 अगस्त के बीच किया गया था। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी अब नीतीश कुमार के ऊपर ताबड़तोड़ निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अब जेडीयू ने भी सुशील मोदी को मजबूती से जवाब देना शुरू कर दिया है। जेडीयू ने अब सुशील कुमार मोदी से ही सवाल पूछ डाला है। संजय कुमार सिंह ने पूछा है कि मोदी कैबिनेट में शामिल दागी मंत्रियों के ऊपर उनकी जुबान क्यों नहीं खुलती। सुशील कुमार मोदी को यह बताना चाहिए कि लखीमपुर खीरी जैसे कांड में कौन लोग शामिल थे और इस कांड में शामिल होने के बावजूद किसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में बनाकर रखा गया। भारतीय टीम एशिया कप 2022 में बाहर हो चुकी है। हालांकि एशिया कप में भारत के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली अपने पुराने धमाकेदार फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के आखिरी मुकाबले में शानदार 122 रनों की शतकीय पारी खेली, जिसके बाद विराट कोहली ने भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार से कहा कि अभी क्रिकेट बाकी है। देश भर में करोड़ों लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे में कई बार लोगों को कंपनी से छटनी या बर्खास्तगी आदि संबंधित कई तरह की शिकायत रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से समाधान पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट करके बताया है। अगर आपको अपने नियोक्ता से कोई शिकायत या परेशानी है तो समाधान पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी कामगार अपनी बर्खास्तगी, छटनी और किसी प्रकार से सेवा समाप्ति के मामले में समझौता अधिकारी के समक्ष सीधे मामले को उठा सकता है। बॉलीवुड के हॉट कपल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर हाल ही में यह कपल एयरपोर्ट पर साथ स्पॉट हुए। मलाइका अर्जुन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एक्ट्रेस का यह वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल यूजर्स उन्हें बोल रहे हैं कि फ्लाइट में जाते समय उन्हें अपना ब्लैंकेट ले जाने की क्या जरूरत थी। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को फोन पर आपत्तिजनक और नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने एक ऑडियो संदेश ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आमतौर पर राजनीतिक हस्तियां उनके साथ हुए बुरे व्यवहार को नहीं बताती हैं। मैंने ऐसा करना चुना क्योंकि हम हिंसा को न्यू नॉर्मल के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम उस नस्लवाद और लिंगवाद को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो इस हिंसा में अंतर्निहित है और इसे प्रोत्साहित करता है। यूपी के सरकारी अस्पतालों के नाम अब हिंदी के साथ उर्दू में लिखे जाएंगे। यह निर्देश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जारी किया गया है। इसी के साथ विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी अपने नाम की तख्तियों पर हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी नाम लिखेंगे। गौरतलब है कि भाषा विभाग ने 7 अक्टूबर 1979 को उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया जाने की अधिसूचना जारी की थी। इस संबंध में 19 नवम्बर 1990 को शासनादेश जारी किया गया था।
बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह और सानिली तलवार की 10 साल पुरानी शादी अब खत्म हो गई है। दिल्ली के साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैमिली कोर्ट ने अब हनी सिंह और सालिनी के तलाक पर मुहर लगा दी है। हनी सिंह से अलग होने के एवज में सालिनी ने करीब 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें 1 करोड़ रुपए से ही संतोष करना पड़ा। ये पैसे उन्हें चेक के रूप में सील्ड लिफाफे में दिए गए। तेल की कीमत से जनता को राहत देने के लिए पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। इसके बाद पिछले दिनों केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स बढ़ाने का फैसला किया था। इसके अलावा सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल पर भी टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस बदलाव को 1 सितंबर से लागू भी कर दिया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाने के बाद विराट कोहली को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया, तो क्या मैं खुद बैठ जाऊं? अगर आप 2-3 दिन अच्छी पारियां खेलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने जिस तरह से पारी खेली, मैं उसे वास्तव में बहुत खुश हूं। यदि वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं तो तब भी शतक जोड़ सकते हैं। यह भूमिकाओं से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी भूमिका पता होती है। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस कहर बरपा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लंपी वायरस 15 राज्यों के 175 जिलों में 15 लाख से ज्यादा गायों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब तक इस वायरस से संक्रमित होने के बाद 75,000 गायों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों की माने तो राजस्थान के 33 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। गुजरात के 33 जिलों में 26 में ये संक्रमण कहर बरपा रहे हैं, जबकि पंजाब के 23 जिलों और हरियाणा के सभी 22 व यूपी के 21 जिले इस वायरस की चपेट में हैं। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आप संकट में पड़ जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक अलर्ट लिस्ट जारी किया है, जिसमें वैसे ऐप्स और संस्थाओं के नाम शामिल हैं जिन्हें फॉरेक्स में सौदा करने और फॉरेक्स लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इन अनाधिकृत प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता पर मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन आज राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा और संघ को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा और संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली है। कहा कि हमारी यात्रा भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। बता दें कि कांग्रेस देश भर में 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रही है। मैं कांग्रेस का सदस्य होने के नाते इस यात्रा में शामिल हूँ। अगर इसका फायदा कांग्रेस को भी होता है तो ठीक है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, कुछ दिनों पहले ही अररिया में कहा था कि भारत में सबसे अधिक बच्चे बिहार के अररिया और किशनगंज में पैदा होते हैं। अब इस बयान को लेकर जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को हमला बोला। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल से ये पूछे कि उनके घर में कितने बच्चे हैं। कानून बनाकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने और वहाँ के लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। दुनिया भर के नेताओं ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर उनके जीवन और सेवा को श्रद्धांजलि दी है। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 70 साल तक शासन करने के बाद गुरुवार को स्कॉटलैंड के बालामोरल कैसल में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 96 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय के एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। ट्विंकल खन्ना ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में वह अपनी सास अरुणा भाटिया को याद करती नजर आई हैं। उनको इस दुनिया से गुजरे 1 साल हो गए और उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी पर ट्विंकल ने एक दिल छू लेने वाला पोस्ट किया है। ट्विंकल ने एक पारिवारिक तस्वीर साझा कर अक्षय कुमार की मां को याद किया है। तस्वीर शेयर करते हुए ट्विंकल ने लिखा है कि एक बार मेरी सास ने कहा था कि एक मैदान में 2 शेरनी नहीं रह सकती। उनका इशारा हम दोनों की तरफ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को आगामी T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया है। 50 वर्षीय हेडन ने इससे पहले पिछले साल के T20 विश्व कप में टीम के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम किया था, जहां पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था। हेडन 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में टीम से जुड़ेंगे। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2022 में 119.32 मैट्रिक टन की मासिक माल ढुलाई करके रिकॉर्ड बनाया है। ये अब तक की सबसे अधिक रिकॉर्ड मासिक माल ढुलाई की गई है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगस्त 2021 में 110.63 मैट्रिक टन की माल ढुलाई, वहीं अगस्त 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 119.32 हो गया है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी की माने तो भारतीय रेल ने कोयले की ढुलाई में 9.2 MT की बढ़त दर्ज की है।
ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज की शुरुआत खराब रही, उनका पहला थ्रो फाउल रहा। दूसरे राउंड में उन्होंने 88.44 मीटर दूर थ्रो करके बढ़त बनाई और फिर आखिरी तक इसे जारी रखा। तीसरे में उन्होंने 88.00 मीटर, चौथे में 86.11 मीटर, पांचवे में 87 मीटर और छठे में प्रयास में 83.60 मीटर दूर भाला फेंका। यूपी के आगरा में स्थित ताजमहल एक फेमस पर्यटक स्थल है। वहीं विदेशी सैलानी अब अपने देशों में से ही जल्द यहां के लिए गाइड बुक कर पाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग की साइट को दुनिया भर की वेबसाइटों से लिंक कराया जाएगा। इसके लिए बस उन्हें क्लिक करना होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी एक एजेंसी को दे दी है, जो यूपी टी के गाइडों की लिस्ट के साथ उनकी पूरा प्रोफाइल इन वेबसाइट पर डलवाएगी। बिजनेस जगत और सोशल मीडिया के सबसे चर्चित डील में से एक ट्विटर का सौदा अब कॉरपोरेट युद्ध में बदल गया है। इसमें लगातार कोई ना कोई विवाद या खबर आती रहती है। अब हालिया घटनाक्रम में एलन मस्क के वकील ने आरोप लगाया है कि ट्विटर ने एक विसल ब्लोवर को चुप रहने के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए दिए थे। ट्विटर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बीच 44 अरब डॉलर की डील टूटने के बाद यह मामला कोर्ट में चला गया था। दुनिया के एक और टॉप ब्रांड की कमान एक भारतीय के हाथ आ गई है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग और पीआर एजेंसी ओग्लवी को अब भारतीय मूल की देविका बुलचंदानी संभालेगी। देविका को कंपनी ने अपना ग्लोबल सीईओ चुना है। फिलहाल वो ग्लोबल प्रेसिडेंट और सीईओ नॉर्थ अमेरिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। ओग्लवी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन ग्रुप WPP का हिस्सा है। आगामी पूजा सीजन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनके नाम होंगे सुविधा पूजा स्पेशल और पूजा स्पेशल। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी सियालदह मार्ग पर दो विशेष पूजा ट्रेनों संचालित करने का निर्णय लिया है। दोनों पूजा विशेष ट्रेन 2022 में 20 कोच होंगे और अप और डाउन यात्रा दोनों के दौरान बंदले, अजीमगढ़, मालदा टाउन और किशनगंज से होकर चलेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी की अगुवाई करने के बारे में कहा था कि जब चुनाव होंगे तो यह साफ हो जाएगा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, इसलिए कृपया तब तक इंतजार करिए। उन्होंने यहां भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से कहा कि पद यात्रा यह समझने की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है और साथ ही यह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई की कोशिश है। केंद्र ने सभी राज्य परिवहन मंत्रियों और अधिकारियों से 2024 के अंत तक सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को 50% तक कम करने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं की लगातार समीक्षा की जानी चाहिए और इससे निपटने के उपाय किए जाने चाहिए। बीते 24 घंटे में देश कोरोना के 6,093 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31 लोगों की मौत हुई। इससे पहले गुरुवार को देश में कोरोना संक्रमण के 6,395 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 33 लोगों की मौत हुई थी। कल के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 302 की तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 706 की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,44,44,739 हो गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू कुमार, अन्नी बड़वाल, विशाल सिंह, पप्पू कुमार, रंजीत सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कोहली के फॉर्म में लौटने से भारतीय टीम को आगामी T20 वर्ल्ड कप में कितना फायदा होगा। आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।